वेलकम एवरीवन। जी हाँ, अगर आप यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर हैं, फेसबुक पे कंटेंट क्रिएटर हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो 1 जुलाई 2022 से आप पर लग रहा है नया टैक्स। और ये टैक्स लग रहा है एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी यूट्यूब की तरफ से ये टैक्स नहीं है। पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना है, ठीक है। ये इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स आप पर एप्लीकेबल हो रहा है। तो एग्जाम्पल देती हूँ आपको, और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी पर्सन्स के साथ शेयर करना ताकि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें पता चल सके, वो अवेयर हो सके किसी भी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करने से पहले। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अभी सितंबर में आईफोन 14 लॉन्च होने वाला है। जैसे ही ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो वो अपनी प्रमोशन कराते हैं, कंपनीज अपनी प्रमोशन कराती हैं थ्रू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं टेक्निकल गुरुजी, जैसे ही आईफोन 14 आएगा ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के पास सबसे पहले ये फ़ोन चला जाएगा फॉर प्रमोशन। अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कर्ब कर लिया है कि जो प्रमोशन के लिए ये प्रोडक्ट आ रहे हैं इन पर एक टैक्स एप्लीकेबल कर दिया है। सेक्शन है उसके लिए 194R, यानी या तो जो प्रोडक्ट भेजने वाली कंपनी है वो इन्फ्लुएंसर का TDS डिडक्ट करेगी जितनी वैल्यू का प्रोडक्ट है, या फिर इन्फ्लुएंसर्स अपने आप उस प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू है उसका 10% एडवांस टैक्स जमा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं सिर्फ टेक्निकल गुरुजी की ही बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे सारे यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स यहाँ कवर हो रहे हैं। हमारे मेरे खुद के पास भी प्रमोशन के लिए ब्रांड्स आते हैं। जैसे मान लीजिए मुझसे कोई सॉफ्टवेयर अपनी ऐड कराना चाहता है, उन्होंने अभी नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया और वो चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर उसे प्रमोट कर दूँ, तो अगर वो मुझे वो सॉफ्टवेयर फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे को भी यूज़ करने के लिए, तो मैं भी उसमें कवर हो रही हूँ उस टैक्सेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, लाइक तो बनता ही है और शेयर भी कर दीजिएगा। अब मैं आपको क्विकली लेकर चल रही हूँ मेरी स्क्रीन की तरफ ताकि मैं आपको क्लैरिटी के साथ अब ये समझा सकूँ। और जो पर्सन मुझे देख रहे हैं बिजनेस मैन प्रोफेशनल्स, उनके लिए डिटेल में सेक्शन 194R की नेक्स्ट वीडियो आ रही है, तो मेक श्योर किसी भी वीडियो को हमारे चैनल के मिस ना करें। सेक्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे तो जल्दी क्लियर होगा। सेक्शन आया है इस टैक्स के लिए 194R अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2022। कोई भी नया सेक्शन आता है इनकम टैक्स में या GST में, जनरली उसके FAQ आते हैं अगर कोई भी क्लैरिफिकेटरी डाउट्स होते हैं, क्योंकि कई बार लॉ की लैंग्वेज को पढ़ के एग्जैक्टली हमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती। जैसे ही ये FAQ रिलीज हुआ 16 जून को और मैंने ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा, तो ये मुझे लगा कि सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलीवेंट एंड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी प्रमोट करते हैं ब्रांड्स को, राइट? तो आप देखिए, आप क्वेश्चन मेरे साथ रीड करिए, आपको आधी क्लैरिटी तो वहीं पर हो जाएगी। बहुत बार, मैनी अ टाइम्स, अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इज गिवन अ प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जनरली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास प्रोडक्ट आते हैं कहाँ से? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, सो दैट ही कैन यूज दैट प्रोडक्ट एंड मेक अ ऑडियो और वीडियो टू स्पीक अबाउट दैट प्रोडक्ट इन द सोशल मीडिया। यही उनका पर्पज़ होता है कि उनके प्रोडक्ट को वीडियो के थ्रू प्रमोट करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। इज दैट प्रोडक्ट गिवन टू सच इन्फ्लुएंसर इज अ बेनिफिट और परक्विजिट्स? क्या ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या ये बेनिफिट है? क्योंकि 194R जो सेक्शन है ना, ये बोलता है कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अगर कोई भी चीज़, चाहे कैश में दे रहा है, काइंड में दे रहा है, या कैश एंड काइंड का मिक्स दे रहा है, किस लिए? अपने बिजनेस या प्रोफेशन को प्रमोट करने के लिए, तो उसको 1 जुलाई 2022 से उस वैल्यू पे, जो अगर काइंड में भी प्रोडक्ट है ना तो उसकी जो वैल्यू है उस पे TDS डिडक्ट करना है @10%। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे ये कैसे एप्लीकेबल हो गया? एग्जाम्पल लीजिए, वही अभी आईफोन 14 लॉन्च होने वाला और आप हैं एक यूट्यूबर, आपको मैक कंपनी ने आईफोन 14 सेंड किया है, उसकी कॉस्ट है 2 लाख, उन्होंने आपको ये प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए दिया है, ठीक है। तो ये जो 2 लाख का प्रोडक्ट उन्होंने आपको भेजा है, इस पे 1 जुलाई 2022 के बाद से 20,000 का TDS एप्लीकेबल हो गया, यानी मैक कंपनी या तो आपका TDS काटेगी या फिर आप इसे एडवांस टैक्स की तरह जमा कराएंगे। तो इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है, यहाँ पे लिखा है वेदर दिस इज बेनिफिट और परक्विजिट्स विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट ऑफ द केस। क्या ये बेनिफिट है या पर्क है, ये डिपेंड करता है केस टू केस। इन केस ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट्स बीइंग अ प्रोडक्ट लाइक कार, कैसे प्रोडक्ट आपके पास आ रहे हैं, लाइक एग्जाम्पल है ये,
इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कार, मोबाइल, आउटफिट, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। एंड इफ द प्रोडक्ट इज रिटर्न टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो ट्विस्ट ये है कि अगर ये प्रमोशन के लिए आपके पास प्रोडक्ट आया और आपने प्रमोट करके इसे वापस कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, तो फिर आप पर ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर वो कंपनी आपको वो प्रोडक्ट रखने के लिए दे रही है कि अब ये प्रोडक्ट भी आपका हो गया, आप इसे प्रमोट भी कर दो, एंड इवन साथ में आपको कोई कैश बेनिफिट भी दे रही है, तो इन टोटल एग्रीगेट अमाउंट पे टीडीएस की लायबिलिटी आएगी अंडर सेक्शन 194। क्या है ये टैक्स, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ मैं, मेरा चैनल है सीए गुरुजी। मेरे चैनल को एक कंपनी ने रीच किया फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रमोशन। इनके इस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है 50,000 रुपीज। ये मुझे इस सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने के लिए तीन ऑप्शन दे रहे हैं। नंबर वन, सिर्फ मुझे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे फ्री में मेरे खुद के यूसेज के लिए, देन सॉफ्टवेयर प्लस कैश देंगे, और तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि सिर्फ आप हमसे कैश ले लो और हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो। ये जो पहली ऑप्शन है, इसमें सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितनी है 50,000, यानी मुझे कितनी वैल्यू का बेनिफिट मिल रहा है, 50,000 का। दूसरे केस में मुझे सॉफ्टवेयर भी मिल रहा है 50,000 का, प्लस कैश दे रहे हैं ये मुझे 50,000 का ही, टोटल कितना कंसिडरेशन मिल रहा है 1 लाख। तीसरे केस में सिर्फ कैश कंसिडरेशन है 80,000। तो आप समझिए अभी तक क्या था, आप ऐसे किसी की प्रमोशन करते थे जिसमें सिर्फ कैश इंक्लूड होता था, वो अभी भी आपका टीडीएस डिडक्ट करता था एक लिमिट के बाद अगर होता था, 194J में @10%, यानी इस पे 8,000 रुपये आपका टैक्स कट जाता था। तो इन दोनों केसेस की बात करें तो इनमें काइंड वाले केस में नंबर वन पे टीडीएस आपका डिडक्ट अभी तक नहीं होता था, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है दिस इज अ काइंड बेनिफिट। अब सेक्शन 194R एप्लीकेबल हो गया, यानी आप मुझे जो ये सॉफ्टवेयर मिल रहा है फ्री में यूज़ करने के लिए, उस पे @10% यानी 5,000 का TDS डिडक्ट करके जमा कराया जाएगा गवर्नमेंट को। और इसको जमा कराने के लिए दोनों ही पर्सन जो है, एक तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है और दूसरा जो कंपनी है जो ये प्रमोशन करा रही है, दोनों में से जो भी पर्सन चाहे वो ये TDS डिपॉजिट करा सकता है। अगर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात करूँ यानी खुद की बात करूँ, तो अगर कंपनी मुझे बोल रही है कि आप इस 50,000 के सॉफ्टवेयर पे 5,000 का TDS जमा करा दो, तो ये जो मैं TDS जमा कराऊंगी एज एडवांस टैक्स जमा कराऊंगी और कंपनी को चालान दे दूंगी और डिक्लेरेशन दे दूंगी। और अगर कंपनी कहती है कि मैंने कहा कि नहीं ये तो आपको ही डिपॉजिट कराना है, तो अब कंपनी की लायबिलिटी है कि इस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट पे TDS डिडक्ट करे 5,000, और अगर ये 5,000 भी वो मुझसे रिकवर नहीं कर रही है ना कंपनी, तो वो 55,000 पे TDS काटेगी 5,500, और ये मेरे 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह से अब कैश प्लस काइंड वाले केस में 1 लाख पर TDS डिडक्ट होगा। क्लियर हो गया आपको? तो कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अब अगर वो किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी कंपनी के प्रमोट कर रहा है, तो उनको ये टैक्स बियर करना पड़ेगा, या तो अपनी पॉकेट से करें या फिर कंपनी से पहले ही बात कर ले कि टैक्स की लायबिलिटी आपकी है, तो कंपनी इंश्योर करेगी आपका TDS डिडक्ट करना। कि ये अभी नया सेक्शन आया है, अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ और भी क्लैरिफिकेशंस इसमें हो सकती हैं, आपके माइंड में डाउट्स हैं, तो कमेंट करिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। जो अदर देन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मुझे देख रहे हैं पर्सन्स, तो पूरा 194R का ये 7 पेजेस का जो सर्कुलर है, इसमें 10 क्वेश्चंस को आंसर किया गया है, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।